हे गाइस, वेलकम बैक टू जिया का जायका। आज हम बनाएंगे लेयर वाली नान, आप इसे पराठा भी कह सकते हैं। हमने लिया है एक बाउल, इसके अंदर ऐड कर देंगे दूध, साथ में डाल देंगे चीनी और ऐड करेंगे ईस्ट। ईस्ट को एक्टिवेट होने के लिए ढक देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे ढकेंगे। दस मिनट के लिए हमने इसे ढका है। ये देखिए, 10 मिनट बाद हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मैदा, और इसे स्पैचुला की हेल्प से एक बार अच्छे से दूध में मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसका एक डो रेडी करेंगे। देखिए, हमने इसका एक सॉफ्ट डो रेडी कर लिया है। इसके ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। और अब हम इसे ढक देंगे 30 मिनट के लिए। देखिए, 30 मिनट बाद ये फुलकर डबल हो गया है। अब इसे हाथों से अच्छे से गूंद लेंगे। अब हमने लिया है एक छोटा सा बाउल, इसके अंदर ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर, मैदा और ऑयल डाल के इसका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर अपने डो को रखेंगे और अब इसे बेलेंगे। हम इसे अच्छे से बड़ा करके बेलेंगे। हम इसे रेक्टेंगल शेप में बेलेंगे ताकि इसे कट करने में इजी हो। अब जो हमने पेस्ट रेडी किया था वो इसके ऊपर से लगाएंगे और ब्रश की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब हम एक नाइफ की हेल्प से इस तरीके से साइड से कट करेंगे इसे। ये देखिए, दूसरे साइड से भी हम सेम तरफ से कट कर लेंगे इसे। अब हम इसे एक बार राइट तरफ से फोल्ड करेंगे और फिर लेफ्ट तरफ से फोल्ड करके इसे बीच में इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यही प्रोसेस हम लगातार करेंगे। इससे हमारी लेयर वाली नान बनके बहुत अच्छे से रेडी होगी। देखिए, इसी तरीके से पहले हमने राइट तरफ से फोल्ड किया, फिर लेफ्ट तरफ से फोल्ड किया और फिर बीच से फोल्ड किया है। ये देखिए, ये प्रोसेस करते हुए हमारा यहाँ पे ये अच्छे से बनके रेडी हो गया है। इसे हर तरफ से अच्छे से हम कवर कर देंगे, ठीक है, और अब हम इसे फिर से बेलेंगे। देखिए, हम इसे हाथों से शेप दे रहे हैं क्योंकि हमें इसे अब स्क्वायर बेलना है। मैदा डस्ट करेंगे और बेलना स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमने इसे बेल लिया है।
देखिए हमने इसे स्क्वायर की शेप में अच्छे से बेल लिया है। अब हम उसके ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब हम इसके ऊपर से डाल देंगे सफेद तिल, आप चाहे तो कलौंजी भी यूज कर सकते हैं। और इसे डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से बेल लेंगे ताकि हमारा सफ़ेद तिल अच्छे से इसके ऊपर लग जाए। अब हमने लिया है तवा, इसके ऊपर लगा देंगे बटर अच्छे से, आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपने नान को इसके ऊपर से रख देंगे और इसे ढक देंगे और 2 से 4 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे। ये देखिए 2 से 4 मिनट बाद हम इसे पलट लेंगे और ऑयल लगा देंगे और दूसरी तरफ से भी इसे ढक कर पकने देंगे लो फ्लेम पे। ये देखिए देखने में काफ़ी ही टेस्टी लग रहा है ये। अब हमने इसे साइड पे रख लिया है, इसे कट करके दिखाएंगे। ये देखिए शेप भी काफ़ी अच्छा आया है इसका। ये देखिए इसकी लेयर्स, देखिए काफ़ी अच्छे से इसकी लेयर बनके रेडी हुई है। अगर आप लेयर वाला स्टेप बहुत अच्छे से करेंगे तो आपकी लेयर भी बिल्कुल इसी तरीके से बनके रेडी होगी। तो काफ़ी टेस्टी और काफ़ी सॉफ्ट और बिल्कुल लेयर वाली बनके हमारी लेयर नान रेडी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएँ आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।